बात घोसी उपचुनाव। जी हाँ, घोसी उपचुनाव 5 सितंबर को है, 8 को इसके नतीजे आएंगे। दारा सिंह चौहान की खाली की हुई सीट है और अब चर्चा इस बात की तरफ मुड़ी है कि क्या दारा सिंह चौहान की बजाय ये सीट ओम प्रकाश राजभर को दी जाए, क्या ओम प्रकाश राजभर को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। एक खतरा ये जरूर मौजूद है बीजेपी के सामने कि दारा सिंह चौहान ने जब इस सीट से इस्तीफा दे दिया है तो महज कुछ महीनों के भीतर दोबारा दारा सिंह पर दांव लगाना क्या सही है। दारा सिंह चौहान क्या खुद चाहते हैं कि वो इस्तीफा देकर तुरंत जाएं, जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त ओम प्रकाश राजभर अचानक सक्रिय हुए, खास करके घोसी के उन इलाकों में जहां उनका बेल्ट है, जहां उनकी तादाद है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को भी ये इंडिकेशन है कि तैयार रहो, टिकट कुछ भी हो सकता है। दारा सिंह चौहान को बीजेपी लड़ाना चाहती है क्योंकि वो एक वाटर टेस्ट भी करना चाहती है, लेकिन वो ये सीट कतई हारने के मूड में नहीं है। अगर 2024 के पहले बीजेपी ने ये सीट गंवा दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये बीजेपी को मालूम है। और ये भी बड़ी बात है कि बीजेपी के पास दारा सिंह चौहान से बड़ा चेहरा है भी नहीं। ऐसे में क्या कोई राजभर वहां से चुनाव लड़ेगा? चर्चा है कि ये सीट ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को दी जा सकती है और अरविंद राजभर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये एक नए सियासी समीकरण के तौर पर, ये नए कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल प्लॉट की तरह अचानक से पिछले 2-3 दिनों में उभरा है और ये बात खास करके घोसी में काफी ज्यादा चर्चा में। अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? तब हो सकता है समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह की जगह किसी चौहान को लड़ा दे, क्योंकि अगर दारा सिंह चौहान लड़ेंगे तो सुधाकर सिंह का लड़ना लगभग तय है। और अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे या उन राजभर अपने बेटे को लड़ाते हैं तब समाजवादी पार्टी कोई नया खेल करेगी और वो भी वहां पिछड़ा के सामने किसी पिछड़े चेहरे को लाएगी, ये लगभग तय है। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन ग्राउंड जीरो यानी कि जो जमीनी हालत है वो ये कि घोसी में ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि ये सीट ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए ले ले और ये चुनाव वो लड़ गए।